हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर में। मैं मोहन सुथार, स्मार्ट कंप्यूटर्स रायसनगर से। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे रियल बिजनेस में जो जीएसटी से रिलेटेड अकाउंटिंग वाउचर होते हैं उन्हें टेली ईआरपी 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल रूप से कैसे मेंटेन किया जाता है, और अकाउंटिंग वाउचर की एंट्री करने से पहले टेली सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फंक्शन हमें यस या नो करने होते हैं, तो ये आज आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो एक अकाउंट्स के फ्रेशर स्टूडेंट और टेली के फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से रियल बिजनेस की रियल प्रैक्टिकल अकाउंटिंग वाउचर्स के साथ अकाउंटिंग कैसे मेंटेन की जाती है ये आपको बहुत ही आसान भाषा में सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हमारा परचेज इनवॉइस की एंट्री करना सीखेंगे टेली ईआरपी 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, और हम बारी बारी से वो सभी वाउचर्स की एंट्री करेंगे जो वाउचर्स सप्लायर्स हमें प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम चलते हैं हमारी टेली ईआरपी 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड, जब भी हमें अकाउंटिंग वाउचर की एंट्री करनी होगी तो सबसे पहले हम गेटवे के मेन हेड्स पे, उसमें ट्रांजेक्शन मेन्यू रहेगा, और ट्रांजेक्शन मेन्यू में अकाउंटिंग वाउचर्स के फंक्शन को हम यूज़ करते हैं किसी भी टाइप की अकाउंटिंग वाउचर की पोस्टिंग करने के लिए। तो मैं अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट करूंगा और हमारे सामने परचेज इनवॉइस रहेगा। प्रेजेंट टाइम में जो भी इनवॉइस फॉर्मेट हमारे सामने ओपन रहता है वो हमारा लेफ्ट साइड के कॉर्नर से हमें पता चलता है, यानी कि हमारे सामने ये परचेज लिखा होता है, इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में हम परचेज इनवॉइस टाइप कर सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट में हमें परचेज का वाउचर नंबर जो हमें सप्लायर्स प्रोवाइड करवाता है उस पर जो इनवॉइस नंबर होता है वो इनवॉइस नंबर हम यहाँ पर टाइप करेंगे वाउचर नंबर पर, और सप्लायर्स इनवॉइस नंबर, अब सप्लायर इनवॉइस नंबर पे भी हम 1457 ही टाइप करेंगे, और डेट्स यानी कि जो इनवॉइस की डेट है वो डेट हम यहाँ पर टाइप करेंगे, डेट ऑफ इनवॉइसेस 1/5/2020, और वही डेट यहाँ पर हम टाइप करेंगे। तो फ्रेंड, जब हम परचेज की एंट्री कर रहे होते हैं तो हमारे सामने दो टाइप की डेट पूछता है, एक डेट हमारे सामने यहाँ पर आ रही है और एक डेट यहाँ पर भी है। तो फ्रेंड, सबसे पहले इन दोनों डेट में डिफरेंस क्या है सबसे ये हमें समझना है। तो ये जो डेट होती है ये वो डेट होती है जिस दिन हमारे पास गुड्स हमें रिसीव हुआ है, यानी कि 1 मई को, और यहाँ पे वो डेट आ जाती है जिस दिन आपका इनवॉइस किस दिन इशू हुआ है, वो डेट हमारे सामने यहाँ आती है। अब मान लीजिए आपके पास जो इनवॉइस डेट है ये 28/4/2020 का है, लेकिन माल तो आपको जो गुड्स रिसीव हुआ है आपके जो शॉप पे जो माल पहुँचा है वो 1 मई को पहुँचा है, तो उस कंडीशन में हम जो हमारी मेन डेट्स है इनवॉइस की यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मई, और जो हमारा इनवॉइस की जो डेट है वो डेट हम यहाँ पे टाइप करेंगे 28/4/2020 को, यानी कि जिस दिन हमारा इनवॉइस जारी हो चुका है, और ये डेट आती है जिस दिन हमारे पास इनवॉइस हमें पहुँचता है हमारे पास पहुँचता है। तो पार्टी अकाउंट्स नेम, यानी कि हमने किसे परचेज किए, विजय ट्रेडिंग कंपनी से, और वो हमें हमारी परचेज जब इनवॉइस आता है तो उसे हेड पे जिस पार्टी का नाम लिखा होता है इसका मतलब वो सप्लायर्स है। तो विजय ट्रेडिंग कंपनी को हम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हमारे पास सबसे मेन जो लेजर्स है वो ये रहेगा परचेज लेजर, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ परचेज लेजर। तो फ्रेंड, ये परचेज लेजर अगर हम जब जीएसटी वाउचर्स की एंट्री कर रहे हैं और उस वाउचर्स में डिफरेंट टाइप की कमोडिटी है और डिफरेंट टाइप की उसके अंदर टैक्स रेट भी है, तो ये फंक्शन हमें यूज नहीं करना है। ये फंक्शन केवल और केवल सिंगल टाइप की अगर आपकी कोई परचेज है उसके लिए ही यूज़ किया जाता है। अब सिंगल टाइप की परचेज कैसी हो सकती है आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आपके सामने ये टैक्स इनवॉइस है और इस टैक्स इनवॉइस में एक ही टाइप की कमोडिटी है आपके पास, मान लीजिए आपके पास इसमें किराना गुड्स के प्रोडक्ट हैं और सारे वो 5% की कैटेगरी की ही हैं, तो आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। अगर आपके सामने किराना गुड्स की है लेकिन उसमें जो टैक्स रेट है वो डिफरेंट है, यानी कि एक प्रोडक्ट उसमें 5% का है और एक प्रोडक्ट 12% की जीएसटी का है, तो उस वक्त हमें ये फंक्शन यूज़ नहीं करना, तो हम इस फंक्शन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12, यानी कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन, हम चाहें तो इस शॉर्टकट फंक्शन से यहीं से जा सकते हैं F12 कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ F12, जैसे हम F12 करेंगे तो परचेज इनवॉइसेस संबंधित हमारे यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमें यस या नो करनी पड़ेगी। तो हमें जो फंक्शन यहाँ से चेंज करना है वो रहेगा यूज़ कॉमन लेजर, ये जो फंक्शन हमारे सामने जो रिफ्लेक्ट हो रहा है यूज़ कॉमन लेजर,
यूज कॉमन लेजर अकाउंट्स फॉर आइटम एलोकेशन, यस, यानी कि आपने हर आइटम के लिए एक कॉमन लेजर यूज करना है क्या? लेकिन हम हर एक आइटम के लिए कॉमन लेजर अब यूज नहीं करना, ये केवल और केवल हम टैक्स फ्री परचेज के लिए ही यूज करते हैं। अब हमारे सामने डिफरेंट टाइप की कॉमोडिटी है और डिफरेंट टाइप की टैक्स रेट है, तो हम इस फंक्शन को यहाँ से नो कर देंगे और इसको इंटर एंटर करते हैं, मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। जैसे एक्सेप्ट करूँगा तो वो फंक्शन यहाँ से हट जाएगा। अब नेम ऑफ आइटम, यानी कि आपने उस गुड्स इनवॉइस में क्या गुड्स परचेज किया है, तो सबसे पहले चलते हैं, यानी कि सिस्का एलईडी बल्ब, तो हम इसको सिस्का एलईडी बल्ब 5 वाट सेलेक्ट करेंगे, हम सिस्का एलईडी बल्ब 5 वाट। और यहाँ पे हम इस पूछेगा क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपने परचेज करी है, तो क्वांटिटी हमारी इस इनवॉइस के हिसाब से 12 पीस रहेगी, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 12 पीसेस। और यहाँ पे रेट पर पीस का आपको रेट क्या लग के आया हुआ है, वो मैंने लगाया 67 रुपये, तो हम 67 यहाँ पे टाइप करेंगे और इसको इंटर प्रेस करेंगे, यानी कि ये हमारा इस गुड्स का टैक्सेबल रेट आया है 804 रुपये। और हमारे सामने अभी भी ये टैक्सेबल रेट ही आया है 804 रुपये। हम जैसे ही इसको इंटर प्रेस करेंगे तो जो लेज़र हमें पहले जो शो हो रहे थे वहाँ पे लिस्ट ऑफ लेज़र काउंट्स में, अब हमें यहाँ पर शो होंगे। लेकिन अब इसमें से हमें कौन सा लेज़र सेलेक्ट करना पड़ेगा उस आइटम के लिए, वो हमें पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये GST से संबंधित मैंने ट्रेडिंग अकाउंट्स कैसे बनते हैं या ट्रेडिंग से संबंधित लेजर और स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट की जाती है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं मैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देखें, और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप उस वीडियो का लिंक फॉलो करके भी इसको देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है GST वाउचर की एंट्री करने से पहले। तो फ्रेंड, हमें पता है ये हमारा इलेक्ट्रिकल गुड्स का और 12% का प्रोडक्ट है। जैसे हम इलेक्ट्रिकल गुड्स को सेलेक्ट करेंगे और हमें दो ऑप्शन पूछेगा, इलेक्ट्रिकल गुड GST 12% IGST है या लोकल है। लोकल का मीन्स अगर आपने ये राजस्थान से परचेज किया या राजस्थान से किसी अदर स्टेट से परचेज किया है, तो हमें हमारे परचेज इनवॉइस से पता चलेगा, यानी कि विजय ट्रेडिंग कंपनी शॉप ब्लॉक श्री गंगानगर, यानी कि हमारे ये राजस्थान का ही सप्लायर्स है, तो यानी कि हमारे लिए एक लोकल पार्टी होगी। तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल गुड GST 12% लोकल में। इसी तरीके से हमारे सामने जो नेक्स्ट आइटम है शुगर की, हम वो शुगर यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी हमसे पूछेगा। अब क्वांटिटी हमारे सामने इस इनवॉइस के अनुसार 2 तरीके की रिफ्लेक्ट हो रही है, 1 क्विंटल्स में है और 1 kg में है। अब ये डिपेंड करता है हमारी सेल्स जो यूनिट रहती है वो क्या है, और हमारी जो सेल यूनिट है वो हमने kg में ले रखी है, तो हम इसको यहाँ पे 3 क्विंटल की बजाय हम 300 kg टाइप करेंगे, तो यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट में ये 3 क्विंटल ऑटोमेटिकली हमें शो कर देगा। और इसका जो टैक्सेबल रेट रहेगा 32 रुपये 40 पैसे, यानी कि ये 3240 रुपये जो पर क्विंटल, यानी कि 100 किलो का रेट है, तो पर केजी का 32 रुपये और 40 पैसे। तो इस तरीके से 97,120 रुपये जो आ चुके हैं हमारे सामने, ये 300 केजी के रेट हैं। इसी तरीके से हमारे सामने नेक्स्ट जो आइटम रहेगी, और ये हमारा किरियाना गुड GST 5% का प्रोडक्ट है, तो हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे किरियाना गुड GST 5% परचेज को और इंटर प्रेस करूँगा। इसी तरीके से हमारे सामने नेक्स्ट आइटम है टाटा साल्ट, और टाटा साल्ट के हमारे सामने प्रोडक्ट है 18 पीस क्वांटिटीज़ की, और एक का जो रेट है हमारे पास 8 रुपये का, और ये टाटा साल्ट हमारा टैक्स फ्री का प्रोडक्ट है, तो इसमें से मैं सिलेक्ट करूँगा किरियाना गुड GST फ्री परचेज अकाउंट। तो फिर जो भी हमने जर्नल एंट्री पिछली वीडियो में बनानी सीखी थी, सेम वही लेजर हमारे टेली ERP 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी बनेंगे। तो नेक्स्ट आइटम हमारी निखार हेयर ऑयल 100 ml, यानी कि ये हमारे 50 पीस हैं, तो हम इसको तो एक का रेट में यहाँ पे टाइप करूँगा 34 रुपये, तो ये 1700 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। और इसमें से मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे कॉस्मेटिक गुड्स 18% परचेज, अभी हमारी लोकल की परचेज है क्योंकि हमने राजस्थान से ही गुड्स परचेज किया, तो ये लोकल सेलेक्ट करूँगा। तो इसी तरीके से हमारे सामने नेक्स्ट आइटम है निखार हेयर ऑयल 450 ml। अब 400 ml 50 की क्वान्टिटी हम देखते हैं, तो क्वान्टिटी में हमारे सामने 2 तरीके की क्वान्टिटी शो हो रही है, यानी कि 2 बॉक्स 48 पीसेस, यानी कि हम इसको पीसेस में सेल करते हैं, तो हम यहाँ पे 2 बॉक्स को काउंट नहीं करेंगे, हम 48 पीस को यहाँ पे टाइप करेंगे। और इसका जो रेट रहेगा, यानी कि अब ये 2400 रुपये आ रहा है, ये पर बॉक्स का रेट है, यानी कि 4800 रुपये ये 48 पीस के, इसका मतलब 100 रुपये पर पीस हमें कॉस्ट इसकी आ रही है। और इसको हम सेलेक्ट करेंगे कॉस्मेटिक गुड GST 18% हमारी लोकल की परचेज है ये। और इसी तरीके से हमारे लास्ट जो आइटम है वॉल फैन 400 mm को सेलेक्ट करूँगा, और इसकी जो क्वांटिटी है वो 14 पीस है, और एक इसका जो रेट आ रहा है पर पीसेस का 1150 रुपये, यानी कि इसका टैक्सेबल रेट है।
और ये हमारा इलेक्ट्रिकल गुड्स का पार्ट है, तो इसमें से मैं सिलेक्ट करूंगा इलेक्ट्रिकल गुड जीएसटी 18% परचेज। तो इसमें से इस टाइप के हमें लेजर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, यहां से एक एक आइटम की कॉमोडिटी वाइज देख के हमें कॉमोडिटी वाइज ही लेजर सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से हमारी स्टॉक आइटम यहां से पूरी हो चुकी है एज पर इनवॉइस। अब हम प्रेस करके यहां पर आएंगे और यहां पर हमें अब टैक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमारे लिए कौन सा टैक्स रहेगा, सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स। अब यहां पे हम सिलेक्ट करेंगे इनपुट सीजीएसटी टैक्स, इनपुट सीजीएसटी टैक्स और एक इनपुट एसजीएसटी टैक्स। तो फ्रेंड अब आप ये चीज कहोगे हम यहाँ पे केवल एसजीटी और सीजीएसटी टैक्स लगते हैं तो भी टैक्स कैलकुलेशन हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, लेकिन हम परचेज में इनपुट का वर्ड यूज करते हैं और सेल्स में हम आउटपुट का वर्ड यूज करते हैं। तो एज पर वाउचर के अनुसार अब इसी वाउचर से हमें फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस भी हमको लगा हुआ, यानी कि किराया 1200 रुपये हमें चार्ज हुआ है, तो हमें फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस का लेजर भी हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। 100 रुपये हमें चार्ज हुआ तो हम इसमें 100 रुपये टाइप करेंगे। तो ये अब राउंड ऑफ रहेगा हमारे पास 38,18.48 रुपये। तो हम इसको जो 48 पैसे इसको राउंड ऑफ करेंगे तो -0.48। तो इस तरीके से 38,018 रुपये हमारे परचेज इनवॉइस के अनुसार हमारी जो फिगर है फाइनल फिगर वो मैच हो चुकी है। तो मैं इसको एंट्री एंटर एक्सेप्ट करते हुए अब इस नरेशन में हम इस इनवॉइस से संबंधित कोई भी इंक्वायरी अगर हमें लिखनी है, यानी कि विजय ट्रेडिंग कंपनी से जो हमने गुड्स परचेज किया है ये किस ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू आया है, इस गाड़ी का ट्रक का नंबर वगैरह क्या था, या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है तो हम लिख सकते हैं। और इसको मैं एंट्री एंटर एक्सेप्ट करते हुए इसको सेव करूंगा। तो इस तरीके से हमारा ये एक इनवॉइस ओके हो चुका है। इसी तरीके से हमारे सामने नेक्स्ट इनवॉइस है आरवी एंड कंपनी का, और आरवी एंड कंपनी का जो इनवॉइस नंबर है RV347, हमें सेम ही वो टाइप करना पड़ेगा RV347। और इस इनवॉइस की जो डेट है वो भी 1/5 ही है, तो सेम वाउचर नंबर हम यहाँ पर भी लिखेंगे 347 1/5। और हम यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे आरवी एंड कंपनी। अब हमारे पास आरवी एंड कंपनी का लेजर नहीं है तो हम यहाँ पे शॉर्टकट लेजर्स बनाने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे कीबोर्ड से Alt+C और हम यहाँ पे टाइप करेंगे आरवी एंड कंपनी। और ये हमारे लिए सप्लायर्स है और सप्लायर्स को हम रखते हैं हमारे सेंट्रिक क्रेडिटर्स में। तो इसी तरीके से एड्रेस, अब इसका एड्रेस हमें टाइप करना जरूरी हो जाता है और एड्रेस हमारा शॉप नंबर 170 पार्ट बी अबोर, यानी कि ये आउट ऑफ स्टेट की पार्टी है। तो शॉप नंबर 137 और हम टाइप करेंगे इसके अबोर। तो इसी कंट्री इसका इंडिया और स्टेट इसका जो हमें विशेषकर इस ध्यान में रखना, स्टेट इसका पंजाब सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये आउट ऑफ स्टेट की पार्टी है। और ये रजिस्ट्रेशन टाइप ये रेगुलर है या कंपोजिशन है या अनरजिस्टर्ड है। तो फ्रेंड मैं रेगुलर और कंपोजिशन पे मैटर पे एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें और इस वीडियो का भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये पार्टी हमारे लिए रेगुलर है क्योंकि इस पार्टी ने हमें टैक्स लगा के इनवॉइस दिया है। जिस पार्टी से टैक्स इनवॉइस हमें लग के आता है तो इसका मतलब वो रजिस्टर्ड पार्टी होती है, यानी कि रेगुलर पार्टी सेलेक्ट होती है वो। अगर किसी पार्टी के पास इनवॉइस नंबर है अगर उसने यहाँ पे टैक्स चार्ज नहीं किया तो इसका मतलब वो कंपोजिशन पार्टी होती है। तब इसका जीएसटी नंबर टाइप करेंगे एज पर इनवॉइस के हिसाब से। तो इसको हम कॉपी करेंगे और हमारे टैली में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हमें एक बार वेरीफाई के लिए बोलेगा लेकिन मैं इसको वेरीफाई अभी नहीं करेंगे और एंटर एंटर एक्सेप्ट करते उसको सेव करूँगा। तो इसी तरीके से ये हमारा पार्टी का लेजर जो क्रिएट हो चुका है। अब नेम ऑफ आइटम, अब नेम ऑफ आइटम हम सेलेक्ट करेंगे दंत कांति टूथपेस्ट और क्वांटिटी में हम सेलेक्ट करेंगे। अब क्वांटिटी भी हमारे पास दो तरीके की इनवॉइस में सेलेक्ट हमको दिखाई दे रही है, 5 बॉक्स और 100 पीसेस, लेकिन हमने इस जो प्रोडक्ट है इसको पीसेस में सेल किया तो हम इसको बॉक्स में न लेके इसको 100 पीसेस हम परचेज दिखाएंगे। और इसका एक का जो टैक्सेबल वैल्यू, अब हमें यहाँ पर सबसे एक चीज़ ध्यान रखनी है भी इसका जो रेट आ रहा है ये 1,016.95 रुपये ये पर बॉक्स का रेट है और हमें जो काउंट करना है वो पर पीस का करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यानी कि ये जो 6,000 रुपये, अब इस 6,000 के अंदर यानी कि ये जीएसटी 18% वो इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम इसकी पर पीस की टैक्सेबल वैल्यू में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अब कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स कैलकुलेशन करने का यानी कि टैक्सेबल वैल्यू निकालने का सबसे ईजी तरीका आपको मैं बता देता हूँ। अब यानी कि ये 6,000 रुपये ये 100 पीसेस के रेट हैं, तो हम 6,000 अगर भाग करेंगे
100 से, तो यानी कि 60 रुपये पर पीस हमें आ रहा है। ये 60 रुपये में भी टैक्स शामिल है, तो हम 60 रुपये को टैक्सेबल वैल्यू उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 60 इंटू 100 भाग 118 यानी कि 50 रुपये और 85 पैसे हमारी पर पीस की कॉस्ट आ रही है टैक्सेबल वैल्यू। तो हम इसको यहाँ पे टाइप करेंगे 50 रुपये और 85 पैसे। तो इसी तरीके से अब ये हमारी आउट ऑफ स्टेट की परचेज है और ये प्रोडक्ट हमारा है कॉस्मेटिक का और इस पर जो जीएसटी रेट है वो 18% की है। तो हम इसको कॉस्मेटिक गुड्स जीएसटी 18%, अब आईजीएसटी सेलेक्ट करेंगे। अब ये हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, कॉस्मेटिक गुड आईजीएसटी परचेज, हम लोकल की परचेज अब यहाँ पर नहीं टाइप करेंगे, इसको सेलेक्ट जो लेजर करेंगे आईजीएसटी का करेंगे। और इसी से हमारे सामने नेक्स्ट आइटम सरस घी 1 लीटर, और सरस घी 1 लीटर है और इसकी जो क्वांटिटी है हमारे सामने 2 बॉक्स यानी कि 24 पीस, हमने इसको पीसेस में हम सेल करेंगे, हमको बॉक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो हम इसको 24 पीसेस हम टाइप करेंगे और इसका जो रेट आ रहा है 3750 रुपये पर बॉक्स का रेट है और हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो पर पीस की करनी है। तो यानी कि जो 8400 रुपये आ रहे हैं ये हमारे 24 पीसेस के रेट हैं। तो हम इसकी सेम कैलकुलेशन उसी तरीके से करेंगे। तो हम सबसे पहले एक की कॉस्ट निकालेंगे पर पीस की, यानी कि 8400 भाग करेंगे 24 को, यानी कि 350 रुपये एक पीस का रेट आ चुका है। अब 350 में भी 12% का जीएसटी इंक्लूड है, तो 350 इंटू 100 भाग 112 यानी कि 312 रुपये 50 पैसे इसकी टैक्सेबल वैल्यू आ चुकी है पर पीस की, 312 रुपये 50 पैसे। तो ये हमारी आउट ऑफ स्टेट की परचेज है और ये जीएसटी 12% की कैटेगरी का प्रोडक्ट है। तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे किरियाना गुड जीएसटी 12% आईजीएसटी। अब इसमें से हम ये लेजर सेलेक्ट करेंगे आईजीएसटी का, हम अब लोकल को सेलेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि हमारी आउट ऑफ स्टेट की परचेज है ये। तो इसी तरीके से हमारे सामने जो थर्ड आइटम सिस्का एलईडी बल्ब 25 वाट, सिस्का एलईडी बल्ब 25 वाट और इसके हम परचेज करेंगे 40 पीसेस। अब हमें ये चीज़ ध्यान रखना, अब एक चीज़ के लिए रुचि के, अब यहाँ पर भी हमारे पास फर्स्ट यूनिट भी पीस है और सेकंड यूनिट भी पीस है और ये जो 86 रुपये और 61 पैसे हमें शो हो रहा है ये मतलब एक पर पीस का टैक्सेबल रेट ही है। तो अब हमें अलग से कोई वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम ये टाइप करेंगे 86 रुपये और 61 पैसे। और ये हमारी इलेक्ट्रिकल गुड्स की परचेज है और आईजीएसटी की है, तो हम इसको आईजीएसटी लेजर सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से क्लिनिक प्लस शैम्पू 350 ग्राम और इसकी जो क्वान्टिटी है अब सेम वही हमें आगे 4 बॉक्स और 144 पीसेस। अब हमें जो सेल करते हैं हम पीसेस में करते हैं, तो हम इसको 144 पीसेस यहाँ पे क्वांटिटी में लेंगे और इसका जो रेट है 11,520 यानी कि ये 4 बॉक्स का रेट है, तो हमें एक बॉक्स की रेट की पहले काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो 11,520 भाग 144 यानी कि 80 रुपये पर पीस का रेट आ चुका है। इसमें 28% का जीएसटी इंक्लूड है, तो हम इंटू 100 भाग 128 यानी कि 62 रुपये और 50 पैसे इस प्रोडक्ट की टैक्सेबल वैल्यू आ चुकी है, 62 रुपये और 50 पैसे। तो इस तरीके से हम कॉस्मेटिक गुड्स जीएसटी 28%, अब इसमें आईजीएसटी को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे सामने ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ चुकी है और अब इंटरप्रेस करके हम स्टॉक आइटम से नीचे आएंगे और अब टैक्स लगाने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे हमारा आईजीएसटी, इनपुट टैक्स आईजीएसटी, जैसे आज ये हमारा आईजीएसटी कैलकुलेशन हो चुका है। अगर इसके साथ हम मिलान करें तो हमारा 4750 रुपये 96 पैसे और हमारे टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आ रहा है 4751 रुपये और 3 पैसे। तो ये जो डिफरेंस आने का कारण है वो हमारी कैलकुलेशन में ही है। अगर हम चाहें तो इसकी कैलकुलेशन जो पैसों में जो कैलकुलेशन करती है उसका डिफरेंस भी हमारा इसकी जो नेट अमाउंट पड़ती है टैक्सेबल वैल्यू उस पर भी फ़र्क पड़ता है। अब कैसे फ़र्क पड़ता है आपको मैं एक दिखा देता हूँ, मैं उसकी वजह से हमारा ये डिफरेंस आ रहा है। तो फ्रेंड अगर यहाँ पे जैसे इसकी जो नेट फिगर है 6000 रुपये, अब इसकी 6000 रुपये का अगर हम 18% का टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे तो हमें अलग से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपका कर्सर इस अमाउंट पे होना चाहिए और आप कीबोर्ड से टाइप करोगे एल्ट सी, जैसे आप एल्ट सी करोगे आपके सामने कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अगर हम 6000 की जो टैक्सेबल वैल्यू निकालें तो 6000 × 100 भाग 100
अब हमें प्रोडक्ट देखना है ये कितने परसेंट का प्रोडक्ट है, उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करें ये 18% का है तो भाग 118, अगर ये 5 का होता तो भाग 105, 28 का है तो 128, तो भाग 118। जैसे हम इंटरप्रेस करेंगे तो जो हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ से ये पिक कर लेगा। इसी तरीके से हमारे सामने जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है इसकी 8400 रुपये की, इसी तरीके से हम एल सी करके 8400 रुपये का भी निकाल लेंगे, 8400 × 100। अब ये हमारे पास 12% का प्रोडक्ट है तो भाग 112, जो नेट फिगर आएगी वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे टाइप हो जाएगी, हमें टाइप करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। और नेक्स्ट है 3880 रुपये की, 3880 × 100 भाग 112। और इसी तरीके से हमारे पास जो लास्ट फिगर है 11520 रुपये की, तो 11520 × 100 भाग 128। तो हमें जो पर पीस की वैल्यू वो भी ऑटोमेटिकली ही टाइप हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे 4750 रुपये और 97 पैसे, तो ये 4750 रुपये और 96 पैसे इस हिसाब से हमारा एक्चुअल टैक्स है जो मैच हो जाएगा, और हम इसको इंटरप्रेस करते हुए इसको सेव करेंगे। तो इस तरीके से इस इनवॉइस में कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, वो इन्फॉर्मेशन भी हम टाइप करेंगे, यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन जे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है और उसका व्हीकल का जो नंबर है वो DL51454 है। तो इसको हम AGT यहाँ से भी टाइप कर सकते हैं भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन का नाम क्या है और इसका गाड़ी का नंबर वगैरह क्या है, जैसे यहाँ पे ट्रक नंबर वगैरह हो गया और इसका ट्रांसपोर्ट का नाम वगैरह भी हो गया, और इसको इंटर एक्सेप्ट करते हैं सेव करेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये परचेज के इनवॉइस की एंट्री होती है GST से रिलेटेड जो भी वाउचर होते हैं। हमारे सामने जो नेक्स्ट वाउचर है वह क्रेडिट नोट का। अब हमारे सामने क्रेडिट नोट यानी कि ये क्रेडिट नोट विजय ट्रेडिंग कंपनी ने इशू किया है, लेकिन हमारी तरफ से जो वाउचर बनेगा वो बनेगा डेबिट नोट का। अब डेबिट नोट की कमांड क्या होती है, अब एक चीज़ आपको दिखा दूँ, यहाँ पर हमें डेबिट नोट शो तो हो रहा है लेकिन ये हाईलाइट नहीं है, ये हिडन रूप से हो रहा है। तो सबसे पहले हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के वाउचर्स को एक्टिवेट करना होता है हमारे टैली में। तो इसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11, और F11 करने के बाद अकाउंटिंग जो फीचर्स आएगा हमारे सामने फर्स्ट ऑप्शन, उसमें से हम यूज़ करेंगे ये फंक्शन यूज़ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, ये बाय डिफ़ॉल्ट नो है तीनों फंक्शन ही, तो हम इनको यस करेंगे, हम इसे भी यस करेंगे, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इनवॉइस मोड को भी यस करेंगे और रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड इसको भी यस करेंगे, और इंटरप्रेस करते हुए इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो अब इस तरीके से हमारे सामने ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के फंक्शन भी हाईलाइट हो गए। तो हमारी तरफ से हम डेबिट नोट इशू करेंगे, यानी कि पार्टी ने हमें क्रेडिट नोट दिया है और हमारा डेबिट नोट बनेगा। और ये जो डेबिट नोट बनेगा अभी हमारा कोई सेल्स रिटर्न या कोई परचेज रिटर्न नहीं है इस वाउचर के अनुसार, तो ये हमारा एज ए वाउचर मोड पे हमें इसको एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से कीबोर्ड से, चाहे आप टाइप कर सकते हो कंट्रोल वी या आप यहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हो एज वाउचर, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एज वाउचर पे। जैसे एज वाउचर पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके का मोड हमारे सामने होगा। मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ, एज इनवॉइस करता हूँ तो इस तरीके का मोड हो जाएगा, एज वाउचर करूँगा तो ये वाउचर मोड पर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें पूछेगा डेबिट नोट का नंबर, तो हमारे डेबिट नोट यानी कि इसका जो क्रेडिट नोट है पार्टी का वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे CR 148, और डेट है इसकी 3/5, तो CR/148, और डेट के लिए हम सेलेक्ट करते हैं F2 और यहाँ पे 3.5 करेंगे, तो यहाँ पे हमारे सामने जो डेट है वो 3/5 हो जाएगी, 3 मई 2020 की। यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर यानी कि आपने जो इनवॉइस आया ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था इसका 1457, ये हम यहाँ पे टाइप करेंगे, और इनवॉइस की डेट क्या थी वो डेट इस इनवॉइस के आगे भी लिखी हुई है वाउचर 1/5/2020। अब डेबिट, हम डेबिट किसको करेंगे, विजय ट्रेडिंग कंपनी को, क्योंकि विजय ट्रेडिंग कंपनी ने श्री श्याम को क्रेडिट किया है तो श्री श्याम ट्रेडर्स विजय ट्रेडिंग कंपनी को डेबिट करेगा। अब इसकी जो डेबिट करेगा नेट अमाउंट से 80 रुपये से। तो अब क्रेडिट किसको करना है, अब क्रेडिट के लिए हमें एक लेज़र बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्रेडिट नोट हमें इश्यू हुआ है वो रेट डिफरेंस का हुआ है, निखार हेयर ऑयल 450/80 रुपये एक्सेस चार्जेस, यानी कि ये 80 रुपये एक्सेस चार्ज के लिए, यानी कि ये जो रेट डिफरेंस है 80 रुपये जो ज़्यादा चार्ज कर लिए थे इस प्रोडक्ट पे, उसका हमें क्लेम वापस मिल रहा है। तो हमारी तरफ से एक लेज़र क्रिएट होएगा, यहाँ पे हम लेज़र इसको क्रिएट करेंगे रेट डिफरेंस का। हमारे पास लेज़र नहीं है तो हम अल्ट सी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शॉर्टकट यहीं पे लेज़र बनाने के लिए, और हम एक लेज़र क्रिएट करेंगे रेट डिफरेंस
क्रेडिट नोट ऑन कॉस्मेटिक गुड्स जीएसटी 18%, यानी कि मैं 18% के कॉस्मेटिक गुड्स का ये रेट डिफरेंस हमें मिल रहा है, और ये हमारे लिए अब डायरेक्ट इनकम बन चुकी है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे डायरेक्ट इनकम, ये जो इनसे डायरेक्ट इनकम ये सिलेक्ट हम करेंगे। तो जैसे हम डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो हमें इस जीएसटी एप्लीकेबल, क्या इस लेजर पे जीएसटी एप्लीकेबल होगी, तो बिल्कुल होगी, हम इसको एप्लीकेबल करेंगे और सेट डिटेल यस में इसको यस करना पड़ेगा। जैसे यस करेंगे तो हमें नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में हमें सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल। जैसे हम सेल्स टैक्सेबल करेंगे तो हमें आई जी एस टी का रेट पूछेगा, हम सेलेक्ट करेंगे 18% का, तो सी जी एस टी और एस जी एस टी 9% ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। और टाइप्स ऑफ सप्लाई से हम सेलेक्ट करेंगे गुड्स को, तो इस तरीके अब यहाँ पर जो हमें क्रेडिट करना है वो 80 रुपये पूरा क्रेडिट नहीं होएगा, वहाँ पे 67 रुपये और 80 पैसे ये फिगर है जो हमारी क्रेडिट होएगी, टैक्सेबल फिगर है जो, ये हमारा सी जी एस टी रहेगा और ये हमारा एस जी एस टी रहेगा, 67 रुपये 80 पैसे। और अब हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हमारा इनपुट सी जी एस टी टैक्स 6 रुपये 10 पैसे और इनपुट एस जी एस टी टैक्स 6 रुपये 10 पैसे, यानी कि ये हमारी लाइबिलिटीज बन चुकी है टैक्स के रूप में। अब यहाँ पे प्रोवाइड जी एस टी डिटेल, अब इस फंक्शन को हम यस करेंगे यहाँ से प्रोवाइड जी एस टी डिटेल। जैसे हम यस करेंगे तो हमें पूछेगा भी लिस्ट ऑफ रीजन, इसका जो क्रेडिट नोट है इसका रीज़न क्या है, तो हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे अदर 7 नंबर और इसको एंट्री इंटरसेप्ट करते हैं। हम यहाँ पर भी हम टाइप कर सकते हैं हमारा जो नरेशन था, निखार हेयर ऑयल 450 ml रेट डिफरेंस, और इसको एंटर करते मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो इस तरीके से हमारा टैक्सेबल जो क्रेडिट नोट है इस तरीके से उसकी एंट्री होएगी। और हमारे साथ नेक्स्ट जो वाउचर है विजय ट्रेडिंग कंपनी का, ये भी हमारा क्रेडिट नोट है लेकिन इस पर कोई भी टैक्सेबल किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं है, तो ये हम इसकी एंट्री डेबिट नोट में भी एंट्री कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसकी जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डेबिट नोट में ही इसकी एंट्री करूँगा। और इसका वाउचर नंबर CR153, तो हम इसको करेंगे CR153। हमें सामने वाली जो पार्टी होती है उसका अपोजिट वाउचर हमें बनाना होता है, जैसे सामने वाली पार्टी का सेल्स तो हमारे लिए परचेज हो जाएगा, सामने वाली पार्टी का कोई क्रेडिट नोट है तो हमारे लिए डेबिट नोट हो जाएगा, सामने वाली पार्टी का अगर रिसिप्ट है तो हमारी तरफ से वो पेमेंट वाउचर हो जाएगा, तो क्रेडिट करूँगा। अब इसमें ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमें देने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डेबिट करेंगे विजय ट्रेडिंग कंपनी को 72 रुपये 72 रुपये से, यानी कि इसके वाउचर की जो वैल्यू से, और हम इसको क्रेडिट करेंगे। ये हमें एक स्कीम का पैसा मिला हुआ है, हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे अलग से LC करके, टारगेट स्कीम ऑन इलेक्ट्रिकल गुड्स GST 12%। ये हमारे लिए अब ये इनडायरेक्ट इनकम बन चुकी है क्योंकि इस पर टैक्स अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम इसको इनडायरेक्ट इनकम में सेलेक्ट करेंगे और इस पर कोई किसी भी टाइप की कोई GST एप्लीकेबल नहीं है, तो हम इसको नोट एप्लीकेबल करेंगे और इंटरसेप्ट करते हुए इसको 72 रुपये से हम करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से हमने जो GST प्रोवाइड डिटेल वो कुछ भी नहीं आया, तो अब यहाँ पर इसका हम जो नरेशन था जो क्रेडिट नोट आने का कारण था, अभी हमने टारगेट स्कीम ऑन सिस्का LED बल्ब, ये हमारा लेजर जो इसका जो नरेशन बनने वाला है इस नरेशन को हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यानी कि हमें 6 रुपये पर पीस का जो स्कीम मिलनी थी वो स्कीम का क्रेडिट नोट हमें इशू हुआ है। तो इसी तरीके से हमारे सामने रिसिप्ट वाउचर, यानी कि हमें RV कंपनी को पेमेंट दी थी उसके अगेंस्ट RV कंपनी ने हमें रिसिप्ट वाउचर दिया है, तो ये हमारी तरफ से ये पेमेंट वाउचर रहेगा, तो पेमेंट वाउचर की कमांड हमारी शॉर्टकट रहेगी F5, यानी कि पेमेंट वाउचर हमारी तरफ से भुगतान हो रहा है तो हम पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे तो हमें वाउचर नंबर टाइप करना पड़ेगा, जो वाउचर नंबर होता है RN457, तो यार RN457 हम यहाँ पे टाइप करेंगे, और इसकी जो डेट है 3/5 ही है, तो हम इसको 3/5 हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम इसमें सेलेक्ट करेंगे RV एंड कंपनी को, और पेमेंट अमाउंट हमारी रहेगी 5000 रुपये। अब इस 5000 के इस जो रसीद इसने हमें दी है इसमें हमें डिस्काउंट भी दिया है, कैश डिस्काउंट, तो उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। हम इसको डेबिट करेंगे 5000 रुपये पूरे से, और क्रेडिट, अब सबसे पहले यहाँ पे एक लेजर बनाना पड़ेगा कैश डिस्काउंट का, हम LC करके एक कैश डिस्काउंट का अलग से लेजर क्रिएट करेंगे, और ये हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम है, तो इसका ग्रुप हम सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट इनकम,
और इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है नहीं तो हम इसको नोट एप्लीकेबल करेंगे यहाँ से। और इसी तरीके से हमारे पास जो कैश डिस्काउंट हमें मिला है वो 40 रुपये का मिला है तो हम इसको यहाँ पे 40 करेंगे और क्रेडिट करेंगे कैश को, यानी कि हमारी जो बिजनेस में जो कैश है वो 5000 की बजाय अब 4960 रुपये ही कम होएगा। तो अब यहाँ पर हम इसका नरेशन लिख सकते हैं भी कैश पेमेंट विद डिस्काउंट और इसको इंटर इंटर करते एक्सेप्ट करूँगा। तो इस तरीके से हमारे सामने नेक्स्ट वाउचर है क्रेडिट नोट का, यानी कि अब ये क्रेडिट नोट हमारे लिए परचेज रिटर्न है, हमारी विजय ट्रेडिंग कंपनी के लिए ये सेल्स रिटर्न है और हमारी परचेज रिटर्न है। तो हम इसको परचेज रिटर्न में यानी कि इसके डेबिट नोट में हम एंट्री करेंगे और डेबिट नोट की कमांड एफ। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे F9 लिखा हुआ है लेकिन F9 के नीचे यहाँ पे डबल कॉमा भी है, तो जिसके नीचे भी डबल लाइन होगी वो कंट्रोल के साथ काम करती है, यानी कि हम कीबोर्ड से हमारी शॉर्टकट जो कमांड रहेगी वो कंट्रोल F9 रहेगी। और अब हमें इसे एज ए इनवॉइस मोड में करना पड़ेगा, हम एज इनवॉइस मोड में इसको कर लेते हैं। पहले हमारे सामने एज ए वाउचर था, अब हम इसको एज ए इनवॉइस के यहाँ से करेंगे। तो हमारे सामने इस तरीके का इनवॉइस टाइप डेबिट नोट ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डेबिट नोट का वाउचर का नंबर यानी कि सामने वाली पार्टी का जो क्रेडिट नोट नंबर है SR1 वो हम टाइप करेंगे, SR1 डेट हमारी 3 के। अब ओरिजिनल इनवॉइस नंबर वो भी हमें लिखना पड़ेगा भी किस इनवॉइस के अगेंस्ट में ये क्रेडिट नोट मिला है, तो ओरिजिनल वो 1457, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 1457 और जो इसकी डेट थी इनवॉइस की वो हमारी 1/5 थी। तो पार्टी अकाउंट नेम हम विजय ट्रेडिंग कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। अब नेम ऑफ आइटम यानी कि हमने वापसी क्या किया है वो प्रोडक्ट इसकी डिटेल हम देखते हैं। सिस्का LED बल्ब 5 वाट यानी कि 2 पीस, तो सिस्का LED बल्ब 5 वाट 2 पीस यानी कि जिस रेट से हमें ये कॉस्ट आई थी उसी रेट से हम वापस रिटर्न करेंगे, यानी कि 67 रुपीज़ ही हिसाब से वापस करेंगे। और अब हमें यहाँ पे एक लेज़र अलग से क्रिएट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल गुड GST 12% परचेज रिटर्न। तो हम यहाँ पे इसको एक लेज़र अलग से क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स GST 12% परचेज रिटर्न। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है ये हमारी जो, और हमें इसको लोकल सेलेक्ट करेंगे, हमें वर्ड्स पूरा यूज़ करना है यहाँ पे, ये शॉर्टकट नहीं लिखना 12% परचेज रिटर्न, और ये अंडर में रहेगा हमारा परचेज अकाउंट का और एप्लीकेबल रहेगी। अभी हमारी लोकल की परचेज है तो हमें इसके सेट डिटेल को GST डिटेल को सेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको गुड सेलेक्ट करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे सामने जो नेक्स्ट आइटम है निखार हेयर ऑयल 100 ml 8 पीस, तो निखार हेयर ऑयल 100 ml 8 पीस और इसका जो रेट है वो 34 रुपये है, तो 34 रुपये ऑटोमेटिक पिक कर लिया। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एक लेजर की रेट है इलेक्ट्रिकल गुड GST, अब इलेक्ट्रिकल गुड्स नहीं है या भाई हमारा कॉस्मेटिक गुड्स है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे कॉस्मेटिक गुड्स GST 18% परचेज रिटर्न लोकल की है, ये भी हमारा अंडर परचेज अकाउंट रहेगा, एप्लीकेबल यस रहेगा और लोकल की परचेज के लिए हमें GST डिटेल को यस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये केवल IGST परचेज के लिए यस करना होता है। तो अब इस तरीके से हमारी दोनों आइटम कंप्लीट हो चुकी है, अब हम टैक्स को सिलेक्ट करेंगे। अब टैक्स हम आउटपुट नहीं लगेंगे, हमारा इनपुट CGST ही हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमने कोई सेल नहीं किया, हमने हमारे परचेज रिटर्न है वो वापस किया, तो इसका मतलब जो हमें इनपुट टैक्स मिला था हम इनपुट टैक्स को ही कम कर रहे हैं, तो इनपुट CGST और इनपुट SGST। तो इस तरीके से 471 रुपये का ये इनवॉइस बनेगा और ये जो 4 रुपये से राउंड ऑफ है उसकी एंट्री भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे राउंड ऑफ का एक लेज़र क्रिएट होएगा और -0.04। अब जैसे हमें प्रोवाइड GST के लिए पूछेगा तो हम इसको यस करेंगे और इसमें हम सेलेक्ट करेंगे हमारी सेल्स रिटर्न, यानी कि सेल रिटर्न थी तो इसलिए। तो अब यहाँ से पूछेगा सप्लायर्स डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, यानी कि सप्लायर्स ने आपने क्या कुछ दिया है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे जो इसका नंबर था SR01 और एंटर एंटर करते इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमारी तरफ से एक डेबिट नोट इशू हो चुका है। आज हमने सीखा था कि हमारे सप्लायर्स द्वारा जो हमें अकाउंटिंग वाउचर्स जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं उनकी एंट्री हमारे डेली ERP 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हमारे द्वारा जो इशू किए जाते हैं सेल्स इनवॉइस उसकी एंट्री टेली ERP 9 अकाउंटिंग में कैसे होती है।
तो हम ये सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी जरूर करना।